सिमडेगा के कोलेबीरा प्रखंड में विधायक नमन विकसल कुंगाड़ी ने सिमडेगा जिले के टई टांगर और बोलबा में जन जागरण अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बताते चले कि बैठक को संबोधित करते हुए विधायक कुंगाड़ी ने कहा कि आज हमारा भारत देश बहुत विकट स्थिति से गुजर रहा है। महंगाई अपने चरम सीमा पर है। आम जनता को खाने के लिए सब्जी भी नसीब नहीं हो रही है। देश में हर वस्तु पेट्रोल डीजल सरसों तेल आदि के साथ साथ खाने की सामग्री भी महंगाई की भेंट चढ़ गई है। वही विधायक ने ये भी कहा कि जब हमारा देश अंग्रेजों के हाथों में था उस समय हम गुलाबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर भारत देश को हमारे देश के सेनानियों ने काफी संघर्ष कर आजादी दिलाने का कार्य किया। स्वतंत्रता के लिए कितने सेनानियों ने अपनी जानों की कुर्बानी। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस समय देश में अपना कुछ भी नहीं था, पर कांग्रेस की सरकार ने सुई से लेकर जहाज बनाने तक का कार्य। किंतु आज भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार कांग्रेस द्वारा बनाई गई संसाधनों को बेचने का कार्य कर रही है और भाजपा उल्टा कह रहा है कि 70 साल में क्या किया, जबकि सारा विकास कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ। इससे स्पष्ट है कि भाजपा देश को विनाश की ओर ले जा रहा है। भाजपा के लोग इस देश के शहीदों को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। विधायक के नेतृत्व में जन जागरण अभियान कार्यक्रम को ठेठई टांगर व बोलबा में किया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई। अखंड भारत न्यूज के लिए धनंजय सिंह की रिपोर्ट, सिमडेगा, झारखंड।